नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के उत्तरी विधानसभा में। यहां हम जानेंगे कि जिन प्रतिनिधियों को चुनकर यहां के लोग लाए हैं वो कहां तक अपने काम में कारगर साबित हो पाए हैं और साथ ही साथ किन विकास के मुद्दों पे खड़े नहीं उतर पाए हैं जनप्रतिनिधि। और हम ये भी जानेंगे कि जनता इस बार के मैनिफेस्टो में जो तमाम तरह के लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, उसमें कहां तक वो अपने आकर्षित हो पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। राहुल शुक्ला। अच्छा राहुल जी, हमें ये बताइए कि अभी आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है 2024? बीजेपी खुला भी। अगर बात करें तो बीजेपी के, हमें आप दो कामों को बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। सबसे बढ़िया ये आपका कानून संविधान, जो कानून बना बहुत अच्छा बना, तरीके से बना। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात। कानून व्यवस्था जो रही हमारी बहुत अच्छी हुई। दूसरा, जो यहाँ का माहौल सुधरा है, चीज़ें बनी हैं, लोगों को रोडें बनाई गई, मतलब दुनिया सब कुछ ऑल एज वेल मिला के। दूसरा काम बताइए। दूसरा काम ये है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और साथ ही साथ किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो इस पे क्या कहेंगे, क्या जनता इससे आकर्षित होगी? सन 1988 में मुलायम सिंह जी ने बोला था कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज तक किसानों का कर्जा एक किसान मिला दीजिए मुझे जिससे माफ हो गया हो, उनका नहीं माफ हुआ। अब 300 यूनिट बिजली का आदमी क्या करेगा? कहाँ से हैं आप? मैं सीतापुर से। अच्छा, सीतापुर से। सीतापुर का क्या हाल है? सीतापुर का बढ़िया हाल है, सीतापुर का बहुत बढ़िया हाल है और सीतापुर का बहुत बढ़िया माहौल है और जो चल रहा है फुल सपोर्टेड बीजेपी है। अच्छा, आपके मुताबिक बीजेपी फिर आ? बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों के बात, उनकी बात को जानते हैं। हमने अभी शुक्ला जी से बात की, इनका साफ तौर पे कहना था कि बीजेपी इस बार आ रही है। अपना नाम बता दें भाई। ये सब नहीं, हमको चाय। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम रिजवान पठान है। अच्छा, आपके मुताबिक 2022 में किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? माननीय अखिलेश यादव जी की। क्यों बनते हुए दिख रही है, हमें कुछ विजन बताएं। क्योंकि उनका विकास है, उनका काम बोलता है, ठीक है, और हम लोगों की पार्टी समाजवादी पार्टी है, इस वजह से उनकी सरकार बन रही है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? इटवा 305 विधानसभा से। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से इस बार के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 40% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो जनता कहां तक और खासकर महिलाएं आकर्षित हो पाएंगी, क्या लगता है? कांग्रेस से हमें कोई ना, उनके बारे में कुछ बोलना है ना उनसे कोई संबंधित, हम कट्टर समाजवादी हैं। समाजवादी के बारे में जो आप पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। कितनी सीटें इस बार निकलती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी की आपको? 403 विधानसभा। पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी की सरकार बनेगी। आप अपना नाम बता दें। हाँ, मेरा नाम खालिद है जी। खालिद, हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में महज कुछ दिन वोटिंग में बचे हैं, तो किसकी सरकार आपको बनती हुई दिख रही है? मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, ऐसी उम्मीद लग रही है, क्योंकि पिछली बार का भी जो ट्रेंड है तो हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी होगा परिवर्तन। परिवर्तन होगा जी। कितनी सीटें आ सकती हैं? नहीं, इसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि कितने। आपके मुताबिक जो भी आएगा पूर्ण बहुमत से ही आएगा, तो ऐसी उम्मीद है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 सालों में हमने सुशासन ले आया है और अपराध मुक्त भय मुक्त प्रदेश बनाया है, तो क्या लगता है आपको इस पे, आपका क्या विचार है? नहीं, निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है और ग्राउंड पे काम भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है और 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। सरकारें जो भी आती हैं अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम करती हैं, इस सरकार में भी बेहतर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि चेंज होगा। जिस तरह से यूपी की जनता चेंज करती रही है, तो मुझे लगता है कि चेंज होगा जी। आप अपना नाम बता दें। इरशाद अहमद। इरशाद भाई, हमें ये बताएं कहाँ से हैं आप? मैं आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से। अच्छा, हमें ये बताएं कि भाजपा की तरफ से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की अगर बात करें तो कैसा काम किया भाजपा ने?
देखिए रोज़गार में क्या है कि कम है, कम में जैसे जो भी भर्तियां हो रही हैं वो कोर्ट में हो रही हैं, वो या तो हो ही नहीं रही हैं, ठीक। और परिवर्तन की बात है, अब परिवर्तन तो होगा, अब कौन परिवर्तन करेगा? जो 203 सीट लाएगा उसकी सरकार बनेगी, जो भी लाएगा चाहे का। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बता दें। आफ्ताब नाम है मेरा। आफ्ताब जी, हमें ये बताएं कि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश को सुशासन ले आया है और अपराध मुक्त बनाया है, तो क्या कहेंगे इस पे? अगर आप ऐसे देखें तो हाथरस का कांड अभी बहुत जल्दी हुआ है और लखीमपुर में किसानों को कुचला गया है, तो सुशासन तो इसे नहीं कहेंगे। और लखीमपुर में आशीष मिश्रा जो है, जो सांसद पुत्र हैं, उनको SIT की जांच में दोषी भी पाया गया है इसी सरकार में, इस पे तो भारतीय जनता पार्टी को उनसे जो है इस्तीफा दिलाना चाहिए। और सच सबके सामने आ भी गया है, इसमें कोई समय की बात भी नहीं है। और जैसा लखनऊ में हम देखेंगे तो इस बार तो समाजवादी पार्टी का बहुत बल दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी में। अच्छा, हमें ये बताएं कि कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए पहली बार भारतीय राजनीति में 40% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी बहन जी हैं उनकी सैलरी में सीधे बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है, तो क्या इससे जनता प्रभावित होगी, खासकर महिलाएं? बहुत शानदार पहल है, महिलाओं को अच्छा मौका दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि जनाधार है कोई। दो लोगों में फाइट है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से टिकट्स का बंटवारा कर रही है तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा काफी भारी है। अपर्णा यादव, अभी भाजपा का दामन हाल ही में थामा है, तो क्या इससे समाजवादी के वोटरों में सेधमारी होगी, जैसा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता है कि अपर्णा यादव जी जो है कुछ उनका जमीनी नेता है या उन्होंने कोई ऐसा काम किया है। वो समाजवादी पार्टी के से एक बार प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और हार गई थी शायद, लेकिन अपर्णा यादव जी के जाने से मुझे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में कोई असर पड़ेगा। अच्छा, अगर बात करें उत्तरी विधानसभा में, तो तत्कालीन विधायक यहाँ से भाजपा के नीरज बोरा जी हैं, तो नीरज बोरा के कामों से कितना खुश हैं आफ्ताब आप? ठीक है, लेकिन अभिषेक मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे यहाँ पे, उन्होंने काफी काम किया था और पुरनिया पे पुल बना है, पक्का पुल नया वाला बना है। लखनऊ में अगर कामों को देखेंगे, लखनऊ मेट्रो जो है वो भी अखिलेश की देन है और अभिषेक मिश्रा जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। और तत्कालीन विधायक की अगर बात करें तो उन्होंने 5 साल में क्या विकास कार्य यहाँ पे किए हैं, उनको बताएं? कोई विशेष काम तो नहीं नजर आता है। हाँ, ये है कि वो भी क्षेत्रीय हैं, उनको भी नीरज बोरा जी काफी पार्टियों में रह चुके हैं, काफी चुनाव उन्होंने लड़े हैं। लेकिन नीरज बोरा जी का इस बार बहुत नाराज है लोग, जिस हिसाब से पानी का भराव जो फैजुल्लागंज और जानकीपुरम क्षेत्रों में होता है, तो वहाँ की जनता काफी नाराज है नीरज बोरा जी से। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ, गृह जनपद मेरा बाराबंकी है और मैं LLB का छात्र हूँ। एक है हमारे साथी विनय दुबे जी हैं, वो भी उत्तर विधानसभा के हैं, अभी उनसे बात कराता हूँ मैं आपकी, वो ज्यादा आपको बताएंगे। ये बताएं कि उत्तर विधानसभा में इस बार किन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा? देखिए जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जनता लगातार बदलाव का काम करती है, मेरा ये मानना है। अभी तक निरंतर किसी की सरकार नहीं रही है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी रहेगा, चाहे अभिषेक मिश्रा हो चाहे और कोई प्रत्याशी हो, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो आफ्ताब की अगर बात करें तो आफ्ताब का साफ तौर पे कहना है कि सपा की सरकार आ रही है और वहीं नीरज बोरा अपने कामों में को नहीं गिना पाए हैं। आप बुजुर्ग हैं, आप दशा दिशा आपने बहुत कुछ सरकारों को देखा होगा, तो उस मुताबिक क्या लगता है कि आपको किसकी सरकार बनने वाली है? चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोगों के विषय पे बोलिए तो मैं बोलूं। अच्छा, चंद्रशेखर की अगर बात करें तो चंद्रशेखर कल अपना एक गठबंधन बनाए हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप पूर्ण रूप से भगत सिंह चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें राजनीति की, आप भी एक वोटर हैं, तो इस बार आपको बुजुर्ग भी हैं, तो आपको किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? देखिए, हमको सरकार तो बस ले दे करके, हमाम में सब नंगे होते हैं पर कोई कोई हमाम में कोई चड्डी पहने रहता है, तो उस वो चड्डी वाला जो है ना कैंडिडेट BJP है और बाकी सब नंगे हैं हमाम में, पॉलिटिशियन A to Z। अच्छा, हमें ये बताएं कि समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से तमाम लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं मैनिफेस्टो में, तो आपको सबसे अच्छा मैनिफेस्टो किसका लगा है? जहां समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री, साथ ही साथ किसानों को मुफ्त बिजली दे रही है, वहीं भाजपा ने बिजली के दामों को कम करके दिखाया कि कम हम कर देंगे, वहीं आम आदमी पार्टी बिजली पे पहल कर रही है, तो आपको क्या लगता है किसके मैनिफेस्टो में इस बार दम है, किसको जनता चुन के ले आएगी? एक्चुअली में सर ये है ना कि ये मसला नहीं है
कि हम लाइट का बिल कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मसला नहीं है। मसला ये है ना, अपने देश का विकास का मतलब है, डेवलपमेंट का है, और अपनी इकोनॉमी क्या आपकी कहाँ जा रही है, जीएसटी। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी डेवलपमेंट करती है? भाजपा। अगर बात करें भाजपा की, तो आप ऐसे दो काम को बताइए जो आपको बहुत बढ़िया लगा हो भाजपा सरकार के द्वारा। इनके दो काम नहीं, कई काम इनके अच्छे हैं। आप पूछिए कौन कौन से काम जानना चाहते हैं आप। अच्छा, आपके मुताबिक ऐसे दो कामों को बताइए जो भाजपा ने अच्छा किया हो। सबसे पहला काम इनका जो है कानून व्यवस्था। मैं लीगली ये बता रहा हूँ, मैं शहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। आप गांव में चले जाइए, वहाँ पे आज के 5 साल पहले आप देखेंगे ना, आपको ये दिखेगा, वहाँ पे ना गुंडई थी। गुंडई इन द सेंस कि हमारी जो बहन बेटियाँ थी वो रोड पे निकल नहीं पाती थी। आज वो लड़कियाँ घूम रही हैं बेशक होके, अपनी इच्छा से काम कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। जहाँ तक लोग कहते हैं कि लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो साफ सी बात ये है ना सर, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपके अंदर टैलेंट होगा नहीं, तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा। सही है ना, कि प्रोडक्शन हमारा जो उतना ही है, जैसे होता है ना कि अपने पास मान लीजिए 69,000 शिक्षक मामला बहुत प्रबल पे रहा, वही 97,000 टेट डीएलएड का अलग प्रदर्शन चला, कनिष्ठ सहाय का अलग प्रदर्शन चला, इस पे क्या कहेंगे? इन प्रदर्शनों के बाद भी सरकार आचार संहिता लग गई, नियुक्तियां पे ठप हो चुकी, इस पे क्या कहेंगे? सर हमसे आपसे ज्यादा वहाँ पे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं ठप किए होंगे ना, कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा जो गवर्नमेंट ही जानती है, हम थोड़ी जान सकते, आप भी नहीं जान सकते हैं, भले आप मीडिया से हैं, बेसिकली हम लोग भी मीडिया से ही हैं, इसलिए ना हम जान सकते हैं ना आप जानते हो, गवर्नमेंट ही जानेगी ना उसने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक क्यों लगाई, उसका रीज़न क्या था। सबसे बड़ा रीज़न सर ये होता है ना, आज के यहाँ पे प्राइवेट चीज़ें नहीं हैं। आप आउट ऑफ इंडिया आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें, वहाँ इकोनॉमी वहाँ की प्राइवेट है, मिक्स नहीं, अपने यहाँ की इकोनॉमी मिक्स है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, घूस दे दे के लोग नौकरियाँ कर रहे हैं। जब आप घूस दे के जॉब करने के चक्कर में पड़ोगे, जाहिर सी बात है फंसोगे, आप आज नहीं तो कल फंसोगे, तो फंसोगे तो दिक्कत होगी, आगे चल के आप कुछ कर नहीं पाओगे, जब कर नहीं पाओगे देश डेवलप होगा नहीं आपका, तो साफ सी बात यही है। तो मिश्रा जी, कांग्रेस की तरफ से एक पहल की गई है जिसमें साफ तौर पे महिलाओं को 403 विधानसभाओं में से 40% महिला उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है, तो कहां तक ये कारगर साबित हो पा रहा है, महिलाओं में क्या संदेश देगा ये, और क्या इसका रिजल्ट आएगा? इसका कुल मिला के एक ही मतलब है, सब राजनीतिक पार्टियां अपनी मतलब वोट बैंक बनाने के लिए ये सब उनकी सिस्टम है, सब करते हैं लोग, ठीक है। वो कांग्रेस को लगा कि वो महिला पार्टी को या महिला के लोगों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनको वोट बैंक उनकी अच्छी बनेगी, तो ये उनका चल रहा है अपना मामला, उनका ये पूरा मामला है। कहां तक कारगर साबित हो पाएगा? कारगर ये रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा बस जी। वही शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका रुख है। सर आप अपना नाम बता दें। विनय दुबे। अच्छा विनय जी, आप उत्तरी विधानसभा से आते हैं। हाँ। अगर बात करें तो यहाँ के तत्कालीन विधायक नीरज बोरा जी हैं। वहीं अगर बात करें पिछले चुनाव में तो यहाँ से अभिषेक मिश्रा जी आए थे, और अभिषेक मिश्रा रनर अप भी रहे, उप विजेता भी रहे, तो आपको अगर नीरज बोरा के कामों पे आए तो कहाँ तक नीरज बोरा जनता का मांगों को पूरा करते हुए दिखे? बोरा का क्या काम है किसी के सामने कुछ स्पष्ट नहीं है, कुछ काम नहीं किया है, न जो है पब्लिक से कोई इंटरेक्शन है, जो काम हुआ था अखिलेश जी की सरकार में हुआ था। अभिषेक क्या काम हुए थे अभिषेक मिश्रा की? अरे तमाम पुराने लखनऊ में जो है उत्तरी विधानसभा के अंतरी में तमाम रोडों का निर्माण हुआ, तमाम जगह कल्याणकारी जो है योजनाएं थी उनका कराया गया, सब कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं कराया, टोटल सरकार ही शून्य है। जैसा ऊपर का हाल है वैसा ही विधायकी के लेवल पे है। रोजगार आज ही निकला है कि रोज हम इतने हजार इतने लाख रोजगार दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कहाँ आपको दिख रहे हैं, आप लोग भी एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है कुछ? अच्छा अभी आपने देखा कि चंद्रशेखर और समाजवादी प्रमुख की मीटिंग होती है, जिसके बाद कल चंद्रशेखर अपना एक अलग मोर्चा बनाते हैं, संघर्ष मोर्चा, जिसमें 33 पार्टियां एक साथ मिलकर अब चुनाव लड़ रही हैं। वही चंद्रशेखर गोरखपुर से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो किस नजर से देखते हैं चंद्रशेखर की इस राजनीतिक चाल को? उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा अगर बात करें तो 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार बनते हुए आपको दिख रही है, और
कितनी सीटों के साथ? सपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। कितनी सीटें आ सकती है? अरे वो पूर्ण बहुमत से आएंगी, ऊपर ही आएगा। वहीं विपक्ष में आपने देखा कि विपक्ष की बात नहीं, तत्कालीन सरकार की बात करें तो समाजवादी प्रमुख के घर से अपर्णा यादव भाजपा का दामन थाम लेती हैं, तो कितनी वोटों में सेधमारी होती हुई दिख रही है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अपर्णा यादव जी का कोई जनाधार अभी तक तो है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से क्या बदलाव आएगा? कुछ सपा में आने से उनके फर्क पड़ेगा, जो मौर्य समाज के लोग हैं इनका शोषण इस जो है सरकार में कोई एक जाति वर्ग विशेष का सिर्फ काम चलता और किसी का नहीं चलता, तो शोषण हुआ है उससे आहत हो के लोग दूसरी तरफ गए, फर्क पड़ेगा, फायदा जरूर मिलेगा। शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका विचार है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आइए चलते हम कपूरथला के, इस समय उत्तरी विधानसभा कपूरथला पे है। जी भाई साहब अपना नाम बता दें। मेरा नाम रजी हसन है। अच्छा रजी, हमें ये बताएं कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में आपको किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? अखिलेश यादव। क्यों बनते हुए दिख रही है, कुछ उसका विजन बताएं। अखिलेश यादव जी के काम कोई भूल नहीं सकता, जैसे लखनऊ में कान्हा स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन, कैंसर इंस्टीट्यूट और बहुत सी तमाम सी योजनाएं हैं जो अखिलेश यादव जी ने, नौजवानों के लिए भी बड़ा अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए 1090 बनाया और डायल 100 दी उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को, तो बहुत अच्छा काम उनका था, तो हम लोग उनसे प्रभावित हैं। और अच्छा, अगर तमाम लोग यहाँ बता रहे हैं कि तत्कालीन सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर पे हाँ काम बहुत अच्छा हुआ, हम तो बता रहे हैं बहुत अच्छा हुआ कि हाथरस में इतना अच्छा काम हो गया, ये भी लॉ एंड ऑर्डर है, और लखीमपुर में इतना अच्छा काम हो गया कि किसानों पर गाड़ियां चढ़ गई, ये भी लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर तो इतना अच्छा चल रहा है कि आजकल कम से कम खुलेआम रोडों पर कोई ज्यादा पैसा लेकर निकल नहीं सकता कि अगर लूट हो सकती है कभी भी, यही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है भारतीय। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करें तो तत्कालीन सरकार कितना उस पर अमल की है, कितना काम की है? भाई शिक्षा का दर तो आज आप ये जान लीजिए कि 8 साल से 7 साल से 4 साल से बच्चे ये जाहिल बनेंगे आगे चल के। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है समाज का। ऑनलाइन पढ़ाई से आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब चलाने के बाद अब उस चैनल यूट्यूब के साथ साथ में और भी वेबसाइट अपने आप खुल जाती हैं जहां वातावरण बच्चों का गड़बड़ हो जाता है। तो ये शिक्षा का दर बढ़ा। अच्छा हमें ये बताएं, जहां एक तरफ स्कूलों को बंद किया गया है कि मास गैदरिंग ना हो, कोरोना ना फैले, तो उसके एक उपयुक्त जो उसके साथ मिलता है तो ऑनलाइन क्लास मिलती है, तो ऑनलाइन क्लासों को अगर बंद किया जाए तो कैसे क्लासों को चलाया जाए, आप अपना विचार से बताइए। देखिए अगर ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाए तो कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए? भाई आप जब तक के डिजिटल पढ़ाई को छोड़कर सामने बैठकर बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तब तक नहीं पढ़ पाएगा। हमारे हम लोग भी पढ़ते थे, टीचर डंडी लेकर बैठता था कि अगर गलत करोगे तो डांट पड़ेगी। ऑनलाइन में बच्चों को क्या कहेगा टीचर, क्या कर सकता है टीचर बताइए? टीचर भी क्या कर सकता, वो तो ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करवा दिया आपने, मुझसे पढ़ाई कराइए। जब तक पनिशमेंट और बच्चों को दबाव में लेकर पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक बच्चा नहीं पढ़ता। हम लोग भी ऐसे थे, स्कूल से भाग जाते थे गोला दे करके, मगर हाँ घर वालों ने दबाव बनाया और एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा कर और एक दबाव बना करके तब हम लोग पढ़ लिख पाए, और आज ऐसी स्थिति नहीं है। ऑनलाइन में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, 7-8 साल के बच्चे तो 100% नहीं पढ़, और पढ़ाई का क्या आप बताएंगे, पेपर लीक हो जाता भाई साहब। कहाँ से आप? हम लखनऊ से। किस विधानसभा में? लखनऊ उत्तर से, उत्तरी से। तो अगर बात की जाए तत्कालीन विधायक की और उनके 5 साल के विकास कार्यों की, तो कितना खुश हैं आप? कौन है विधायक पहले तो हमें यही नहीं पता। नीरज बोरा यहां से विधायक हैं, तो पहली बार नाम सुन रहे हैं नीरज बोरा, हालांकि भाजपा से हैं तो बहुत अच्छी बात है, काम उनके भी वैसे ही होंगे जैसे सरकार ने किया है वैसे उन्होंने भी किया होगा। हाँ इससे पहले का अगर विधायक पूछेंगे तो हम लोग जानते हैं अभिषेक मिश्रा जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, डालीगंज ओवरब्रिज बनाया और उसके बाद पुरनिया वाला बनाया, इंजीनियरिंग काली पे फुट ओवर ब्रिज बनाया, उसके बाद घंटा घर में जो स्वांधिकरण हुआ वो करा,
और कुड़िया घाट बनवाया और इसके बाद हनुमान सेतु पर एक अंडरपास वो पार्किंग बनाई, जो हनुमान सेतु में श्रद्धालुओं को दिक्कत होती थी पार्किंग के लिए, वो बनवाया। अच्छा काम किया। अब शेख जी को जान रहा हूँ, नीरज वोरा जी को मैं नहीं पहचानता, पहली बार नाम सुना आपसे और आगे मुझे लगता है कि आगे बार सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा हमें जी। आप अपना नाम बताएं। तुषार राजपूत। तुषार किस क्लास में? इस समय इंटर चल रहा है। अच्छा, इंटर की परीक्षाएं भी नजदीक हैं, तो कैसे तैयारी कर रहे हो बिना क्लास के? ऑनलाइन में वैसे तो हो नहीं पा रहा कुछ भी, क्योंकि जितना टीचर पढ़ा रहा है उसका 20% भी नहीं समझ आता है, और सामने से तो 70% आ भी जाता था, इसमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, और फीस फालतू की फीस सबमिट ली जा रही है। वोटर आईडी है आपकी? है। अच्छा, आप युवा हैं, आप इंटर में हैं, तो आपके मुताबिक किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है आपको? जैसा कि अभी तो ये 5 सालों से देख रहे हैं, जैसे सरकार का पता चल रहा है कि कोई रोजगार नहीं है सुनने को मिल रहा है, बाकी अभी अप्लाई नहीं किया कहीं पर, तो कोई रोजगार तो है नहीं, तो हो सकता है चांस है सपा सरकार आ जाए। कैसे लगता है आपको सपा सरकार आ जाएगी? क्योंकि रोजगार नहीं है ना, मेन तो वही है ना, आप राशन दे करके सरकार तो नहीं बना सकते ना। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 लाख से ऊपर हम रोजगार दिए हैं, तो उस पे क्या? तो इससे पहले मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे पर ईयर, तो 2 करोड़ यानी कि उनको 7 साल हो चुके, तो 14 करोड़ यानी कि पर हर एक घर में एक रोजगार हो गया, 14 करोड़ लोगों को दिया गया, तो कहाँ है रोजगार? अच्छा, हमें एक चीज बताएं, अभी ऑनलाइन क्लास का जिक्र हो रहा था, तो आपके क्लास में कई सारे बच्चे होंगे, तो क्या सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित होकर और सही तरीके से सुचारू क्लास को देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्या दिक्कतें आती हैं? कभी कदार कुछ ऐसे बच्चे भी क्लास में होते हैं कि सॉन्ग प्ले कर देते हैं, क्लास चल रही होती है, कुछ ऐसा होता है कि डिस्टर्बेंस लाते हैं, और जिसमें से 60% तो ना पढ़ने के लिए बैठे होते हैं, मजाक के लिए बैठे होते हैं, 20% को डिस्टर्ब करते हैं, बाकी 20% अपना फोकस करते हैं पर वो पढ़ नहीं पाते। कितनी क्लासें चलती हैं ऑनलाइन? सारी चल रही क्लासें, फीस लेनी है क्योंकि। पीसीबी या पीसीएम? पीसीएम सर। अच्छा, ये बताएं कि बस 3 क्लासें चलती हैं या जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो सब चलती हैं? नहीं, 3 चलते हैं, 3 रेगुलर चल रहे हैं, बाकी हिंदी और इंग्लिश कभी कदार हो गया तो हो गया जी। खास तौर पे हम देखेंगे कि गांव में, दूर दराज गांव में जहां इंटरनेट की समस्या है, वहां ऑनलाइन क्लास से बच्चे काफी त्रस्त हैं, और इसके तरफ से सरकार को कुछ करना चाहिए कि इन बच्चों का भविष्य न खराब हो। वहीं हम अब चल रहे हैं ग्लोब कैफे पे, जो ठीक सामने है, जहां युवाओं का खास तौर पे जमावड़ा होता है, तो यहीं हमारे सामने कुछ और लोग हैं जी। भाई साहब, आप लोग को समय हो तो एक एक मिनट बात करें। बताइए। शिवम। शिवम जी। शिवम, 2022 चुनाव नजदीक है, महज कुछ दिन में चुनाव भी शुरू होने वाला है, तो आपके मुताबिक क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली? बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है सर अभी तो फिलहाल। वही विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि सरकार कह रही है, तत्कालीन सरकार की, हमने 4 लाख रोजगार दिए हैं। वहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि साफ तौर पे युवाओं के साथ छलावा हुआ है, इस पे क्या कहें? छलावा ऐसा तो हमें नहीं लगता कोई हुआ है, नौकरियां मिल ही रही हैं, कंपनियां आ ही रही हैं, तो काम तो हो ही रहा है। इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, तो उसका क्या आपको कुछ मतलब निकला? नहीं, अभी तो कोई लाभ उसका दिखा नहीं, वो तो सिर्फ बातें हुई हैं, जब लाभ होगा तभी कुछ कह पाएंगे। अगर बात किया जाए जी, आप अपना भी नाम बताएं। अमन सिंह। अच्छा अमन भाई, हमें ये बताएं कि कांग्रेस की तरफ से एक पहल शुरू की गई है जिसमें 40% महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है 403 विधानसभाओं में, तो कहाँ तक ये अमल कारगर साबित होता दिख रहा है? नहीं, ये तो अच्छा है, जहाँ तक ये महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, महिलाओं को बढ़ा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अब वो चुनाव में वो किस तरीके से रिजल्ट आता है उस पर डिपेंड करता है कि हाँ महिलाएं कुछ कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं। अच्छा, वहीं इस बार बिजली का काफ़ी मुद्दा बना हुआ है, भाजपा ने जहाँ बिजली के दाम आधे करने की बात कही है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों को फ्री बिजली दिया जा रहा है, और वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली का काफी प्रावधान बताया जा रहा है, तो कहां तक आपको दिख रहा है कि ये जो पैतरा पॉलिटिकल पार्टी अपना रही है ये अच्छा साबित होगा? नहीं, ये तो अच्छा साबित ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मतलब लुभावना ऑफर दिया जा रहा है भाई कि हाँ आप हमें वोट करोगे तो हम इतना देंगे ना, हाँ, स्वीट पॉइजन आप इसको कह सकते हो, जबकि इसका ऐसा कुछ हमें ना तो असर दिख रहा है ना तो अगर जीतेंगे दिखेगा जी। अच्छा, आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी के।
जी। अच्छा, हमें ऐसे कोई दो काम बस बताएं जो आपको बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में अच्छा किया हो। दो काम में पहला तो देखिए, एक किसान एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सॉरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ठीक है। और दूसरा जो है, गरीबों को शौचालय की व्यवस्था की गई पूर्ण रूपेण, इज्जत घर, जी इज्जत घर दिया गया। और उसके अलावा जो है, उनको रहने की भी व्यवस्था और राशन भी दिए गए कोविड में, और फ्री वैक्सीनेशन हुआ हम लोगों का। तो ये 4 काम तो हम आपको गिना दिए, अच्छा हुआ जो हमारे अकॉर्डिंग ऐसा हमें लग रहा है। अच्छा, वही कुछ लोग और कुछ विपक्ष के लोग जब दूसरा वेव चला तो ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर की किल्लतों को लेकर काफ़ी आलोचना सरकार की हुई, तो क्या लगता है आपको कि सरकार की तरफ से अच्छी पहल नहीं की गई? नहीं नहीं, इसमें तो सरकार की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से दिया गया, बीच में जो बिचौलिए हैं, जो ब्रोकर हैं, वो गलती उनकी थी। उनकी गलती को सरकार पे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि गलती भाई बिचौलियों ने किया हुआ है, सरकार ने तो किया नहीं है, तो भाई इसमें सरकार निर्दोष है। अच्छा, हमें ये बताएं, अभी आपने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की न्यू ये बनाया गया तत्कालीन सरकार के द्वारा, वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये एक्सप्रेस वे हमने डिज़ाइन किया, हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट किया और इसका नाम समाजवादी एक्सप्रेसवे था, तो क्या कहते हैं आप इस पे? इसके बारे में तो हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी उतनी मैं आपको दिया। जी, शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग हैं जी, आप अपना नाम बताएं। अच्छा, लोग बात नहीं करना चाहते हैं, फेसबुक पर पोस्ट लिखना हो तो सब लिखेंगे, लेकिन अपनी समस्याओं को रखने में लोग कतराते हुए दिख रहे हैं। तो हम इस वक्त, खासकर यहाँ युवाओं का जमावड़ा रहता है, तो इनसे हम युवाओं की समस्या के बारे में जानेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं। जी भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। जिशान बताइए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं, तो आपके मुताबिक किसकी सरकार बनते हुए आपको दिख रही है? अखिलेश की। अगर बात करें तत्कालीन सरकार की, तो वो खासतौर कह रहा है कि युवाओं के लिए हम 4 लाख रोजगार दिए हैं और हर एक सेक्टर में काम किए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? हमको तो कहीं नहीं दिख रहा कि इन्होंने कुछ दिया है रोजगार, किसी तरह का कोई काम नहीं इन्होंने किया है, सिर्फ एक हिंदुत्ववादी पे इनकी सरकार चल रही है। अच्छा, ये बताएं, अभी समाजवादी खेमा के पर समाजवादी परिवार के अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो रही हैं, तो कितने वोटों का पोलराइजेशन भाजपा की तरफ हो सकता है? देखिए, उसमें खैर कुछ वो नहीं है, वो तो पहले ही सही भाजपा में थी, आप 2017 में याद कीजिए, पहले ही सही भाजपा में ज्वाइन थी, तो ये अभी एक स्टंट है इनका कि उन्होंने ज्वाइनिंग महज कुछ दिन पहले की, मगर इससे पहले भी 2017 में आपने देखा होगा कुछ भाजपा का इनका चल रहा था विचारधारा, तो इससे तो इनके जाने से, खैर इनके रहने से हमको तो नहीं लगता कोई फर्क होगा पार्टी को। अगर बात करें युवाओं की, तो इस सरकार ने युवाओं के लिए क्या काम किया है और क्या ऐसा है जिससे आप नाखुश हैं या खुश हैं? हमको तो नहीं लगता इन्होंने क्या काम किया। अच्छा, आप बता दीजिए कुछ काम अगर इन्होंने किया हो किसी के लिए। स्किल एजुकेशन पे बात की जाए, जो कौशल विकास केंद्र खोले गए, तो उसका क्या लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, युवाओं को लाभ नहीं मिल रहा है? देखिए, उसका मिलेगा, बट उसके लिए बहुत, समझे, इन्होंने बहुत आगे के लिए किया है, तो वो इतना आगे तो इतना किसी के पास टाइम नहीं। अब जो इधर जो पास आउट हो रहे हैं उनके लिए तो कुछ बचा नहीं ना ऑप्शन। अब जो पहले से पेंडिंग है 2017 से, आप पहले देखिए, तो उसमें भी कोई वैकेंसी उसके बाद दी नहीं गई, तो 5 साल इधर जो निकले हैं 12th करके, वो भी वैकेंसी के लिए परेशान, जो पहले थे वो भी है, तो उस हिसाब से तो हमको तो नहीं लगता इतनी जल्दी कोई इनको जो है फ़ायदा बेनिफिट दे पाएंगे किसी को। अच्छा जी, साथ में ये बताएं कि अगर बात करें, तो कुछ लोग वहाँ पीछे बता रहे थे कि सरकार के द्वारा राशन दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है, इज्जत घर शौचालय दिया जा रहा है, और वो बहुत खुश हैं, तो क्या आपको इन सब कामों से, आपको कैसा देखते हैं इन सब कामों को? अच्छा, आप ये बताइए, अब जैसे कि महंगाई को आप देखिए, इन्होंने अगर महंगाई इतनी ज़्यादा कर रखी है कि सपोज़ पेट्रोल 60 रुपये से 110 रुपये, गैस सिलेंडर 300 से जो है आज 1000 रुपये में, तो ये सब पैसा अगर आप उठा के 100-200 रुपये किसी को बांट देंगे, तो उससे किसका फ़ायदा होगा? सरकार का ही तो फ़ायदा होगा। ये तो दिखावटी एक हो गया कि हम 10 रुपये दान कर रहे हैं, 100 रुपये आपसे ले कर, तो आपसे ही ले कर आपको दे रहे, तो इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है? कौन ही अपने घर से दे रहे हैं आके? थैंक यू सर। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके विचार में क्या है। तो हमारे साथ कुछ युवा भाई भी हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। नईम। हाँ, नईम, अगर बात करें युवाओं की, तो ऐसे आपको कुछ ऐसे काम बताइए जो सरकार के द्वारा युवाओं के लिए अच्छा काम किया गया हो, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, किसी क्षेत्र सरकार द्वारा किया गया हो। ऐसा तो कुछ काम अभी सामने आया नहीं है फिलहाल। अच्छा,
आप हमें ये बताएं कि कांग्रेस की तरफ से एक पहल की गई है जिसमें महिलाओं को 40% सीटों पर उतारने का बात कही जा रही है, उतारा भी जा रहा है, तो कहां तक ये प्रियंका गांधी की पार्टी जो कांग्रेस है वो कारगर साबित होती दिख रही है? अभी तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब जब उतारेंगी जब सीट तब उसके बाद ही तो बताया जा सकता है, ऐसे फिलहाल अभी तो। अच्छा, आपके मुताबिक 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आप? यूपी की अखिलेश। अगर बात करें तो कुछ लोग पीछे बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार हुआ है, तो इस पे आपका क्या विचार है? लॉ एंड ऑर्डर में काफी अच्छा विचार हुआ है, इसके बारे में तो हम कुछ कहेंगे ही नहीं। अच्छा, वहीं हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं, हमारे साथ कुछ युवा भाई हैं। जी भाई, अपना नाम बताएं। अरशान। अरशान, हमें ये बताएं कि महज कुछ दिनों में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 2022 में आपको किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? जिसको सबकी दिख रही है, सपा की भैया। अच्छा, वहीं कुछ लोग पीछे बता रहे थे कि सरकार के द्वारा 4 लाख रोजगार दिया गया है युवाओं को, तो आप इस पे क्या दिख रहा है रोजगार? आपको दिख रहा है रोजगार? हम एक बस माध्यम है आपकी बातों को उठाने के लिए और ऊपर तक पहुंचाने के लिए, आप हम आपका विचार लेने हैं, आप अपना विचार। 250 से ऊपर सीटें आ रही है सपा की इस बार। पॉपुलेशन यूपी की 25 करोड़ है और 4 लाख कितना रेशियो, आपको कैलकुलेट कर लिए, 25 करोड़ों में से अगर 4 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, अगर सरकार क्लेम कर रही है उसमें से कितना हकीकत है क्या नहीं, 25 करोड़ से अगर 4 लाख को मतलब कितना कम मिल रहा है, और बाकी लोग क्या, बाकी जो 24 करोड़ 96 लाख है वो क्या करेंगे? हमें ये बताएं किस विधानसभा से आते हैं? हम मध्य विधानसभा से आते हैं, लखनऊ। तो मध्य विधानसभा में इस बार कौन सा प्रत्याशी आपको, जो तत्कालीन प्रत्याशी है, जो विधायक है, वो कहां तक अपने कामों में कारगर साबित हो पाया, क्या विकास कार्य किया? वो तो लॉ मिनिस्टर बन गए, उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखाई नहीं दिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखाई नहीं दिए वो, और रोड उसके बाद टनल डाल लें, सरकार को काम करने का तरीका ही नहीं है। अच्छा, अगर बात करें रोजगार की तो इस सरकार में आप रोजगार से कितना खुश हैं? रोजगार से बहुत खुश हूँ मैं, विकास की इतनी बड़ी अविरल विचारधारा बह गई है, राम मंदिर ले लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लीजिए आप, शिक्षा मित्र का मामला तो सपा सरकार ने तो एक चूतिया बना दिया, चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा कर दी, चुनाव से पहले तो उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं शिक्षा मित्रों को नौकरी दे रहा हूँ, ये कहाँ का न्याय है भाई? उसमें एक तरफ से प्रधान के द्वारा किया गया नियुक्ति था, पूरा फर्जीवाड़ा था, उनको तो अपना वोट बैंक तैयार करना था, उन्होंने एक वोट बैंक एक जरिया तैयार किया, वो तो सरासर वो धोखा कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 7 महीनों तक लड़के जो अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही साथ अबकारी 2019 के भी भर्ती के जो छात्र थे वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही साथ 97,000 डीएलएड टेट के भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन सब प्रदर्शनों को किस नजर से देखते हैं आप? नहीं, ये तो देखिए सपा सरकार तो उसमें कुछ ऐसे षड्यंत्र थे जो शिक्षक वो विद्यार्थी थे ही नहीं, वो तो उनके मतलब आपके मुताबिक 69,000 जो छात्र थे जो अभ्यर्थी थे वो समाजवादी पार्टी के? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनके चमचे थे, एक यही अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता हुआ करते थे अभिषेक सिंह माइकल, उन्होंने एक सीधे से ये बयान दिया कि इलाहाबाद छात्रों से उनको जबरन कहा जाता था कि धरने में आइए आप आगजानी करिए, अरे विकास की इतनी बड़ी धारा उन्होंने बहा दी है, आप विकास ही देखिए कितना बड़ा विकास हुआ है, हर जगह विकास हो रहा है, हाथरस कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हाथरस कांड उठा लिया, कुछ नहीं तो उन्होंने लखीमपुर कांड, उनको एक लखीमपुर कांड में जो वहां के सांसद हैं और एमओएस हैं उनके बेटे पे साफ तौर पे आरोप सिद्ध हो चुका है एसआईटी की जांच के बाद, तो इस पे क्या? देखिए सजा जो गुनाहगार उसको सजा मिलनी चाहिए, अब देखिए कितना, अब देखिए सपा सरकार थी, अतीक जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग खुली गाड़ियों में घूमते थे, कोई उनको कानून नाम की कोई उनके अंदर क्षमता ही नहीं थी, वो एकदम माफिया थे भाई, उनको डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप ही देखिए आप पत्रकार हैं, इतने बड़े देश के पत्रकार हैं, स्तंभ दिया गया है साफ साफ, बाबा साहब अंबेडकर ने बायोलॉजी में उन्होंने कहा है साफ साफ, उन्होंने एक लिख दिया संविधान में कहा है उन्होंने कि पत्रकार को एक स्तंभ दिया गया है वो स्वतंत्र है, आपको तो एक हर्ष का विषय होना चाहिए कि सरकार ने जो अजय मिश्रा टेनी जी के बेटे आशीष मिश्रा जी को उन्होंने जेल करा दी, अब बाकी सरकारों को देखिए आप, उनके बेटे खुलेआम गुंडे ही करते थे। कुछ लोग पीछे अभी बोल रहे थे कि तत्कालीन सरकार बस विपक्ष के लोगों पे बुलडोजर चला रहा है और जो पक्ष के लोग हैं उनके तरफ से साफ तौर पे एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, इस पे क्या? देखिए आपने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, सरासर गलत है, निर्विरोध है, अगर चाहे विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, अपराधी हो उसको बाबा ने सजा जरूर दी। धनंजय सिंह जो आरोपी है
कई मामलों में वो खुली तौर से पुलिस उनकी खुजाई कर रही है, लेकिन वो साफ तौर पे क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या आप ये बताएंगे किस पार्टी के नेता हैं? जरा मुझे आप एक चीज बताइए, किस पार्टी से जुड़े, किस पार्टी से सांसद हुए और किस पार्टी के लिए उन्होंने वोट प्रचार किया, जरा मुझे बताइए। आप सपा सरकार के पहले बसपा में थे, बीच में उनका सपा विलय हुआ, लेकिन अब देखिए बाबा ने जब से ये न्यूज दिखाई गई, आप ही लोगों ने दिखाया कि क्रिकेट खेलते हुए दिखे, देखिए उनके पीछे लग गई है। अब आचार संहिता गिरफ्तार नहीं, आचार संहिता नहीं होते तो गिरफ्तार हो जाते भाई, आदमी व्यस्त है। आप देखिए अभी भी जितने लोग खड़े हैं आचार संहिता के, तो सीधे से तो लंदन है, लेकिन बाबा उनके पीछे लग गए हैं। आप लिख के ले लीजिए विगत 20 से 25 दिनों में उनकी गिरफ्तारी निश्चित है। तो साफ तौर पे आपने देखा कि यहाँ मैं उत्तरी विधानसभा में था जहाँ के लोगों का मिला जुला विचार है किसी को, और साफ तौर पे अगर देखें तो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।